ब्रेक भले चल रहा हो, लेकिन फुटबॉल में रिपल्स, फुटबॉल में बड़े इवेंट्स होना बंद नहीं होते हैं। तो मैनेजर्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे, और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज आई है यार, काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज भी आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं जूलियन नागल्समैन की। थोड़ा ही सा ही पीछे है वो बुंदेसलीगा टाइटल रेस में, और परफेक्ट चैंपियंस लीग रिकॉर्ड है, मतलब अभी तक एक भी मैच हारे नहीं है, सारे मैच जीते हैं वो। एंड फिर भी ऐसी न्यूज आ रही है, और ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही है कि जूलियन नागल्समैन को सैक कर दिया जाएगा और उनकी जगह थॉमस टुकेल को अपॉइंट किया जाएगा। थॉमस टुकेल ऑफ कोर्स बहुत सारे जॉब्स के साथ लिंक हुए हैं, उनको वापस चेल्सी के साथ लिंक किया गया था, उनको पीएसजी के साथ लिंक किया गया था, उनको इवन स्पर्स के साथ लिंक किया गया था, और स्पर्स पे भी आएंगे। बट थॉमस टुकेल लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बायर्न म्यूनिख मैनेजर, और जूलियन नागल्समैन को शायद से सैक कर दिया जाएगा, इनफैक्ट कर ही दिया जाएगा। और क्या वजह है इसकी, और क्या मतलब क्या इसके इफेक्ट्स होंगे? तो यार देखो, 10 बार लगातार शायद से बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग बुंदेसलीगा जीत जाएगी, और बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार। कंप्लीट डोमिनेशन की अगर आप बात करते हो तो इसको बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस एक पर्टिकुलर लीग में। अपेरेंटली बॉसेस खुश नहीं थे जिस तरह से ये टाइटल रेस पैन आउट हो रही थी बायर्न म्यूनिख में, और हमने पहले भी बात की है कि बायर्न म्यूनिख इस सीजन की, बायर्न म्यूनिख की जो टाइटल रेस है वो शायद से पूरे यूरोप में सबसे इंटरेस्टिंग टाइटल रेस। बट ये चीज द पीपल अप देयर इन बायर्न म्यूनिख अपेरेंटली दे वर नॉट लाइकिंग जो वो देख रहे थे, और उस रीजन से जूलियन नागल्समैन को और ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, एंड ही हैज बीन आस्क्ड टू लीव, और थॉमस टुकल उनकी जगह लेंगे। बायर्न म्यूनिख ऑफ कोर्स का अगला मैच, अगर चैंपियंस लीग की बात की जाए, तो मैन सिटी के साथ है, पेप गार्डियोला की मैन सिटी, जो कि एक टफ चैलेंज होगा। थॉमस टुकल वंस अगेन वर्सेस मैन सिटी इन द चैंपियंस लीग, काफी इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम जब हमने ये देखा था तो थॉमस टुकल वन यू नो ऑफ द बिगेस्ट प्राइज इन क्लब फुटबॉल, जब वो मैन सिटी के साथ खेले थे। क्या वो चीज रिपीट होगी? बायर्न म्यूनिख को मैं वन ऑफ द फेवरेट्स मानता हूँ। अब चाहे अगर वो टुकेल के साथ हो तो भी आई डोंट थिंक उस चीज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बुंदेसलीगा टाइटल रेस में थोड़ा सा पीछे जरूर है वो, और लेकिन काफी फुटबॉल बचा है खेलने के लिए। बोरुशिया डॉर्टमुंड का मैच के मैचेस भी अभी चल ही रहे हैं। तो मतलब ये फ्रैंकली मुझे काफी शॉकिंग लगा, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो। मतलब हालांकि जूलियन नागल्समैन की बात चल रही थी कि उनको शायद से देख मतलब सोच सकते, क्योंकि इस सीजन का स्टार्ट जो भी हुआ था बायर्न म्यूनिख का, दैट वाज नॉट वेरी इनकरेजिंग। तो उस टाइम पे भी बात हुई थी कि शायद से जूलियन नागल्समैन को सैक की करेंगे, और दूसरे मैनेजर्स के साथ लिंक हुए थे बायर्न म्यूनिख। बट उसके बाद जब एकदम से टीम संभल गई तो ये चीजें शांत हो गई थी। मुझे लगा था कि जो भी होगा अब समर में होगा, क्योंकि आप देखिए तो मुश्किल से 2 महीने बचे सीजन खत्म होने में, और इस टाइम पे चेंजेस करना थोड़ा रिस्की होता है। बट ऐसा लगता है कि बायर्न म्यूनिख ने ये डिसीजन ले लिया है, एंड नागल्समैन रिपोर्टेडली वो काफी शॉक थे, खुद काफी शॉक थे इस डिसीजन से। बट इंटरेस्टिंग रहेगा कि बायर्न म्यूनिख के साथ अब क्या होता है, चैंपियंस लीग में कैसे खेलते हैं, क्योंकि आई थिंक बायर्न म्यूनिख विल वांट टू विन द चैंपियंस लीग। उनकी टीम जितनी अच्छी है, जिस हिसाब से उनके प्लेयर्स हैं, उतना रेगुलरली उन्होंने चैंपियंस लीग नहीं जीता है, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट हैपेंस टू द टीम इन द चैंपियंस लीग। दूसरे मैनेजर्स की बात की जाए तो एडिसन का एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट आया है कि कि मुझे ऐसी खबर मिली है कि कार्लो एंचेलोटी शायद ब्राजील के मैनेजर बनने वाले हैं, एंड आई वांट टू मेक श्योर कि आई नॉक आउट रियल मैड्रिड एज सून एज पॉसिबल सो दैट ही कैन गेट टू ब्राजील क्विकर। अब उस स्टेटमेंट पे तो थोड़ा मतलब वो स्टेटमेंट मुझे फ्रैंकली मुझे भी अजीब ही लगा, क्योंकि आपने अभी बायन के साथ अपना मैच जीता नहीं है और आप ऑलरेडी रियल मैड्रिड की बात कर रहे हो। बट उससे आगे बढ़ते हैं तो, बट कार्लो एंचेलोटी, ये वीडियो क्योंकि मैनेजर्स के बारे में है तो मैनेजर्स की बात करेंगे, तो कार्लो एंचेलोटी की बात करते हैं। क्या कार्लो एंचेलोटी रियल मैड्रिड छोड़ेंगे? क्योंकि ये देखिए, मुझे सैकिंग का मुझे नहीं लगता है उतना ज्यादा, मे बी एक एंगल मुझे ये लगता है कि शायद से कार्लो एंचेलोटी एक एक डिफरेंट चैलेंज चाहते हो, क्योंकि वो रियल मैड्रिड में ऑफ कोर्स व्हाट एवर इज देयर टू विन इट ही हैज वन इट, एंड लीगा तो ऑब्वियसली इस बार रियल मैड्रिड अनलेस
बार्सिलोना का कुछ ऐसा मतलब कुछ एपिक लेवल पे कैपिटुलेशन हो जाता है, आई डोंट थिंक यू नो रियल मैड्रिड लालीगा जीतेगी, बट चैंपियंस लीग में तो दे आर अनदर फर्म फेवरेट्स मेरे हिसाब से, दे आर स्टिल देयर इन द चैंपियंस लीग और अच्छा चल रहा है उनका कॉम्पिटिशन वहां पे। बट क्या फैंस अनहैप्पी हैं? कुछ फैंस जरूर अनहैप्पी हैं क्योंकि उनके जो टैक्टिक्स हैं या फिर उनके जो सब्स्टिट्यूशंस हैं या फिर उनके जो डिसीजंस हैं ट्रांसफर मार्केट में या फिर गेम्स के दौरान, वो उतने दे हैव नॉट गॉन डाउन दैट वेल, एंड यू नो देर इज अ सेक्शन ऑफ फैंस दैट दैट इज अनहैप्पी, बट आई डोंट थिंक वो उतना अनहैप्पीनेस है कि आप मतलब उसको आप सैकिंग से आप एसोसिएट कर दो या फिर आप इससे एसोसिएट कर दो कि वो छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि यार देखो, जब आप इतना बड़ा, व्हेन यू डू सच अ बिग जॉब, देर विल बी अ सेक्शन ऑफ पीपल जो आप हर चीज को आपको पसंद नहीं करेंगे, हर चीज को आपको हर चीज में आपकी तारीफ नहीं होगी। बट क्या ये नया चैलेंज हो सकता है? और मतलब अगर होगा तो ब्राजील विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग यार, मतलब आई वुड लव टू सी यू नो अ ब्राजील टीम मैनेज्ड बाय कार्लो एंचेलोटी, बट आई थिंक इसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा वो लिया जाएगा सीजन के एंड। आई डोंट थिंक रियल मैड्रिड विल मेक सो मेनी चेंजेस जबकि उनका सीजन चल रहा है, ठीक है वो 12 पॉइंट पीछे हैं बार्सिलोना से, लेकिन अभी भी वो चैंपियंस लीग में फर्म फेवरेट्स हैं और मुझे नहीं लगता है कि अभी उनको बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा जैसे मैंने बोला सिर्फ 2 महीने बचे हैं और उसमें अगर आप नया मैनेजर लाते हो तो इट इज वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम कि जिसमें आपको सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डज नॉट कम टू फ्रूशन, आप अगले सीजन की तैयारी करते हो इस सीजन में। बायर्न म्यूनिख का इसीलिए मुझे डिसीजन काफी अजीब लगा क्योंकि वो चैंपियंस लीग की रनिंग में है, वो चैंपियंस लीग में वन ऑफ द फेवरेट्स हैं तो, बट आई थिंक रियल मैड्रिड जो भी डिसीजन लेगा एंड आई थिंक इट विल बी मोर ऑफ कार्लो एंचेलोटी, और बाय द वे ये बहुत डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि कार्लो एंचेलोटी स्टे करें, वो नहीं छोड़ के जाए रियल मैड्रिड, वो भी एक बहुत डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है। और मतलब ये तो आई थिंक वी विल हैव टू वेट टिल द समर टू फाइंड आउट कि यहाँ पे क्या हो रहा है। होजे मोरिनियो को लिंक किया गया था यू नो रियल मैड्रिड के जॉब से, एंड पर्सनली देखो मुझे लगता है कि वो इट इज मोर ऑफ पेपर टॉक, आई डोंट थिंक उसमें बहुत ज्यादा कुछ सच्चाई है। और अगर मैं इसमें अपना एक थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन दूं, सी मैं चाहता हूं कि होजे मोरिनियो रोमा में रहे, आई थिंक रोमा में उन्होंने एक अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है, रोमा को बहुत दिन के बाद उन्होंने एक ट्रॉफी भी जिताई है, पिछले सीजन कॉन्फ्रेंस लीग जीती थी रोमा, और इस सीजन भी उनका सीरिया में अच्छा चल रहा है, एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है। हालांकि कोई बोलेगा कि यार होजे मोरिनियो इज नॉट द सेम मैनेजर, बट आई यू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि काफी टाइम हो गया, ही स्टेड एट द टॉप फॉर अ वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, उसके बाद उन्होंने अब ये सब चेंजेस हो रहे हैं, तो यू नो दिस इज एक्सपेक्टेड, और मैं तो चाहता हूं कि होजे मोरिनियो रोमा में रहें और वहां के प्रोजेक्ट को जितने ज्यादा टाइम तक हो सके वहां तक कंटिन्यू करें, क्योंकि आई आई पर्सनली लाइक होजे द मैनेजर अ लॉट, एंड रियल मैड्रिड में या कहीं पे भी बड़े क्लब, पीएसजी के साथ भी लिंक हुए थे, ये सब क्लब्स में जब आएंगे तो अचानक से प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, और समवन लाइक अ होजे मोरिनियो आई थिंक अभी फुटबॉल जैसा है ज्यादा टाइम मिलता नहीं है मैनेजर्स को, फिर भी आपको एक दो सीजन्स तो चाहिए। अब कोई बोलेगा थर्ड सीजन सिंड्रोम होजे का, वो तो रोमा में बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि क्या होता है थर्ड सीजन होजे का, बट इट्स इंटरेस्टिंग, आई 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 वॉन्ट होजे टू स्टे एट रोमा एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और लास्ट में बात करते हैं यार एंटोनियो कॉन्टे की, तो स्काई स्पोर्ट्स की तरफ से, हर डिपेंडेबल सोर्स की तरफ से ये न्यूज आ गई है कि वो मोस्टली टॉटनम मैनेजर नहीं रहेंगे, इनफैक्ट वो ट्रेनिंग सेशंस भी शायद से नहीं ले रहे हैं टॉटनम के। टॉटनम हर बार ऐसे पोजीशन में कैसे आ जाती है? टॉटनम ने इसके पहले, हमने मोरिनियो की बात की तो मोरिनियो वहां पे मैनेजर थे, चलो आप पोचेटिनो की आप बात करते हो तो पोचेटिनो तो एक बहुत लंबे टाइम तक वहां पे मैनेजर थे, और आपको मतलब आप बोल सकते हो कि यार एक साइकिल पूरा हो गया था, काफी इंटेंस फुटबॉल खिलाते हैं मॉरिशियो पोचेटिनो, और प्लेयर्स एक तरह से फ्रेशनेस चाहते थे, तो नया मैनेजर आता है तो नए तरीके आते हैं एंड दैट हेल्प्स, वो सोच के यू नो मोरिनियो का अपॉइंट किया गया। बट टॉटनम एक क्लब जो बहुत दिन से कोई ट्रॉफी नहीं जीता है,
जस्ट एक क्लब कप फाइनल के पहले आप होजे मोरिन्यो को सैक कर देते हो। अब उसमें सुपर लीग के ऊपर जो उनके कमेंट्स थे वो सब कुछ, आई थिंक सुपर लीग के अगेंस्ट बहुत सारे मैनेजर्स ने बहुत सारी बातें की थी। आई थिंक क्लॉप वॉज वेरी वोकल अगेंस्ट सुपर लीग। हालांकि क्लॉप का केस अलग है, आई डोंट थिंक देर इज एनी चांस ऑफ क्लॉप गेटिंग सैक्ड अनलेस कुछ भी हो जाए, अनलेस यू नो एकदम से ही हम एकदम खराब हालत में पहुंच जाए, और वो भी जो होगा वो बाद में होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। बट मोरिनियो पे वापस आते हैं, स्पर्स पे वापस आते हैं, देखो स्पर्स के कुछ डिसीजंस मुझे समझ नहीं आते। मोरिनियो को सैक करने का डिसीजन जस्ट बिफोर अ कप फाइनल, अगर आपको सुपर लीग पे उनके कमेंट्स अच्छे नहीं भी लगे थे तो आपके आपका बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, उसके पहले आपने एक प्रोवेन विनर को सैक कर दिया और रायन मेसन को मैनेजर बना दिया, जो कि अभी फिर से केयरटेकर मैनेजर शायद से बनने वाले हैं। देखिए सच्चाई यह है कि एंटोनियो कॉन्टे जब स्पर्स के मैनेजर बने थे उसी टाइम बहुत लोगों ने बोल दिया था कि ये दिस विल नॉट लास्ट लॉन्ग। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एंटोनियो कॉन्टे एक बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, काफी हेड स्ट्रांग है, उनको वो अपने वो फिल्टर नहीं लगाते, उनको जो बोलना होता है वो क्लियरली बोल देते हैं। और डैनियल लेवी जो है, जो ही लाइक्स टू रूल विद एन आयरन फिस्ट, वो काफी ज्यादा मतलब उनकी अथॉरिटी बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है टॉटनम में, उनसे एवरीबडी नोज ही इज द बॉस एंड ही विल टेक ऑल द डिसीजंस। तो अभी जो कॉन्टे का जो आउटबर्स्ट हुआ था साउथहैम्पटन से ड्रॉ करने के बाद, उसके बाद तो बहुत ही क्लियर हो गया था कि आई डोंट कि यू डोंट आप यू डोंट सी हिम बीइंग द मैनेजर। ऐसा आउटबर्स्ट होने के बाद बहुत ही ज्यादा मतलब सरप्राइजिंग हो जाता अगर उसके बाद भी एंटोनियो कॉन्टे मैनेजर रह जाते स्पर्स के, तो ये तो एक्सपेक्टेड था। मगर टॉटनम नाउ फाइंड्स देमसेल्फ टॉटनम नाउ फाइंड्स देम इन इन अ वेरी यू नो देमसेल्फ इन अ वेरी बैड सिचुएशन। अगर आप यहां से कौन से मैनेजर को ले आओगे, पोचेटिनो की बात फिर से लिंक हो रही है, 4 साल में 4 मैनेजर आपने सैक किए हैं, इस बार तो टॉटनम ने पैसा भी मतलब ऑफ कोर्स अगर आप मैन सिटी मैन यूनाइटेड चेल्सी से कंपेयर करोगे तो उतना पैसा नहीं स्पेंड किया था, बट फिर भी मतलब टॉटनम वर वन ऑफ द हाई स्पेंडर्स, बड़े प्लेयर्स लेके आए थे, वो कॉन्टे के पसंद के प्लेयर्स लेके आए थे, तो आपको यू नो कुलुसेव्स्की हो, चाहे आपको पेड्रो पोरो हो, रिचार्लिसन हो, यू नो देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो टॉटनम ने साइन किए थे। और उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग ये बात है कि अगर आप टेबल देखोगे तो टॉटनम लुक लाइक दे आर इन द टॉप 4 फॉर्मली एज ऑफ नाउ। अब जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि इतने ज्यादा अपहीवल के फर्क पड़ता है, इट विल बी हो सकता है टॉटनम फिर से टॉप 4 में फिनिश कर जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आप इतना अपहीवल लाओगे अचानक से तो उसके तो रिपल इफेक्ट्स होंगे, और दिस विल बी यू नो अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। जहां पे अगर आप हैरी केन की बात करो तो फिर से बात हो रही है कि क्या हैरी केन सोच रहे होंगे कि मुझे यहाँ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। अब अगर चैंपियंस लीग में नहीं होगा तो वो स्पेकुलेशन और भी तेज हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिवरपूल की आप बात करो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम चैंपियंस लीग में फिनिश नहीं करेंगे, बट लिवरपूल हैज वन रिसेंटली, टॉटनम हैज नॉट वन फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, और हैरी केन नाउ गेटिंग इनटू हिज 30s विल ही गेट इची फीट। अब मुझे अब ये मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूं कि यहाँ पे यू नो हैरी केन छोड़ के चले ही जाएंगे, लेकिन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, अनटेनेबल सी पोजिशन हो रही है थोड़ी सी, और बहुत ही मतलब एक एक मुझे ये डिसीजन कॉन्टे को सैक करने का समझ में तो आता है, बिकॉज यू नो जिस हिसाब से उन्होंने रैंट किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक्सपेक्टेड ही था कि उनको सैक कर दिया जाएगा, लेकिन स्पर्स आर इन अ टफ सिचुएशन वंस अगेन, और इस सीजन को कैसे एंड करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये था यार मैनेजर्स के ऊपर, एक तरह से आप कह सकते हो मेरी गो राउंड चल रहा है। द बिगेस्ट स्टोरी इज ऑफकोर्स नागल्समैन बींग सैक्ड, एंड इसने सबको शॉक किया होगा, मुझे तो डेफिनेटली शॉक किया। आप बताइए आपको कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि थॉमस टुकेल अगर बायर्न म्यूनिख मैनेजर बनते हैं तो उनका रेन कैसा रहेगा, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। स्पर्स के बारे में आपको क्या लगता है, स्पर्स का अगला मैनेजर कौन होगा, क्या मॉरिशियो पोचेटिनो वापस आएंगे, अगर वापस आएंगे तो वो सीजन कैसे फिनिश करेंगे, आपको क्या लगता है क्या होजे मोरिनियो को रियल मैड्रिड मैनेजर बनना चाहिए, हालांकि वो मुझे रूमर में कुछ सच्चाई लगती नहीं है, और कार्लो एंचेलोटी के बारे में आपके क्या ख्याल है। हम तो वीडियोस बना के आपके पास आते ही रहेंगे, अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स,
अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मैंने से द मॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन. अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द नेट्स. अरे 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 अरे